ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। बेटा यहाँ पे 2/√x है, यहाँ पे 4/√x है, तो लॉजिकली 1/√x के साथ 2 है, यहाँ पे 1/√x के साथ 4 है। इक्वेट कैसे करें? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, जिससे मर्जी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो 3 से करना चाहते हो, फर्स्ट को 3 से कर दो। चलिए फर्स्ट को आप 3 से कर दीजिए, वो भी सही है। जब आपने फर्स्ट को 3 से किया तो 3 2 6/√x, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। आपने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। अब नॉर्मल एक एडिशन कर दीजिए, 2 + 3 करते हैं, आइए 6 + 4 10/√x, ये कट हो जाएगा ऐड करने पे। ऐड करने पे -1 + 6 कितना मिला? 5। 2/√x इज 1, 2 इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है? 4। और किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की जगह 4 पुट कर रहा हूं, रूट एक्स है ना, एक्स की जगह 4 पुट कर दिया, टू बाय टू प्लस 3/√y। अब 3/√y ये 1 आ गया, 2 - 1 1, 3 इज इक्वल टू रूट वाई। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर 3 का स्क्वायर 9 हुआ, y 9 है और x क्या बेटा? 4। वेरीफाई करते हैं, आइए क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, आइए पुट कीजिए। यहां पे आप x की जगह क्या लगा रहे हो? 4, 2/2 1 9 लगा रहे हो, 3/3 1 1 + 1 2 आया। सेकंड में 4 लगाओ, 4/2 2 आया यहां पे, और यहां पे y की जगह क्या लगाया? 9, 3 9/3 - 3, ये √9 है ना, 9/3 - 3, 2 - 3 कितना आएगा? -1 आएगा। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है बिल्कुल ही सही निकाला है, ठीक है।